नोटबंदी के बाद देश भर में छापेमारी की जा रही है और काले धन को सफेद करने के इस खेल में कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है, मुंबई के नामचीन डॉक्टर सुरेश आडवाणी का। शुक्रवार को सीबीआई ने आडवाणी और पांच अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के जरिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट करने का आरोप है। आपको बता दें कि सुरेश आडवाणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में CIIGMA अस्पताल से जुड़े हैं। उन्हें 2002 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण मिल चुका है। डॉक्टर आडवाणी को देश के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट में गिना जाता है। वहीं जिन अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें योगेश बी शिरोय, धर्मराज थिगले, गजानंद सोमनाथ, बीएम शाह के नाम शामिल हैं। सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि ये चार लोग वैद्यनाथ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के अधिकारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रीतम मुंडे हैं। प्रीतम मुंडे बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। तो काले धन के इस खेल में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं इस खेल में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब इन लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाती है, ये देखना बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।